Hello, my dear amazing scholars. How are you all doing today? I am Achal, your educator, and I welcome you all to Silverline Books by Turning Point Publishing House. Okay, we are taking up My Green World for class 2. And in today's session, we'll be covering chapter number 3 of your books, children, that is being healthy, right? Hum healthy kaise reh sakte hain? सेहतमंद कैसे रह सकते हैं राइट सो आर यू ऑल रेडी टू लर्न दिस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ ऑल राइट लेट्स बिगिन सो चिल्ड्रन वी मस्ट स्टे क्लीन एंड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी एंड फिट अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं यू नो हम ज्यादा बीमार नहीं होना चाहते हम एकदम फिट रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा हमें अपने आप को क्लीन रखना होगा हाइजीनिक रखना होगा एंड ऑल्सो वी नीड टू ईट न्यूट्रिशियस फूड राइट जिसमें हर टाइप्स ऑफ फूड हमारे आते हैं वी शुड ईट दाल्स वी शुड ईट फ्रूट्स वेजिटेबल्स कार्ब्स राइट सो ऑल दीज थिंग्स वी शुड बी इंक्लूडिंग इन आर डाइट सो टेकिंग अ हेल्दी डाइट एंड कीपिंग आवरसेल्व्स क्लीन वी कैन रिमेन हेल्दी एंड फिट सो चिल्ड्रेन द फूड वी ईट खाना जो हम खाते हैं उसके बारे में बात करेंगे क्यों खाते हैं हम खाना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए राइट खाना हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है वी ईट फूड टू कीप अस स्ट्रॉन्ग गुड ईटिंग हैबिट्स हेल्प अस टू कीप हेल्दी ऑलवेज ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड हमें हमेशा साफ सुथरा और ताजा बना खाना खाना चाहिए राइट इससे क्या होगा हम हेल्दी रहेंगे ओके सम चिल्ड्रन ईट स्वीट्स अलॉट कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत मीठा खाना पसंद करते हैं और उन्हें चपाती रोटी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं होता तो क्या ये अच्छी बात है नो दिस इज नॉट अ गुड हैबिट दिस इज नॉट अ हेल्दी ईटिंग हैबिट हम सबको अपनी डाइट को बैलेंस करना चाहिए राइट इफ यू वॉन्ट टू ईट स्वीट्स तो आफ्टर मील आप थोड़ा सा स्वीट्स ले सकते हैं ओके नॉट इन वेरी लार्ज क्वांटिटी थोड़ा सा स्वीट्स लें ओके शुगर टू मच सॉल्ट टू मच शुगर दे नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स दाल्स पल्सेस राइट ये सब चीजें अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करनी है ऑल राइट सो लेट्स टॉक अबाउट सम गुड फूड हैबिट्स राइट हमें अच्छी हैबिट्स कौन सी इनकलकेट करनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी हेल्दी सो ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स हमें हर तरीके का खाना खाना चाहिए एनर्जी गिविंग फूड ऐसा फूड जो हमें एनर्जी देता है जैसे फैट्स हो गए कार्बोहाइड्रेट्स हो गए ये फूड्स बहुत एनर्जी देते हैं हमें जिससे हम खेल सकते हैं अपने दिन भर के काम कर सकते हैं देन बॉडी बिल्डिंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं जैसे कि प्रोटीन्स हो गए ओके वो हमें दाल से एग से मिल्क से राइट इन सब चीजों से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं तो हमें वो भी अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करने चाहिए देन प्रोटेक्टिव फूड्स आर फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट इंक्रीज योर इम्यूनिटी राइट वो हमें बीमार नहीं पड़ने देते वी रिमेन हेल्दी राइट वी रिमेन फिट व्हेन वी ईट प्रोटेक्टिव फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सो वॉट इज अ गुड डाइट जिसके अंदर आप हर टाइप का फूड इंक्लूड करें ऑलराइट सो सम पॉइंटर्स फॉर यू टू टेक इन कीप इन योर माइंड टेक योर मील्स एट फिक्स्ड आवर्स ऑफ द डे रोज एक टाइम जैसे ब्रेकफास्ट अगर आप सपोज 9 AM इन द मॉर्निंग करते हैं देन यू शुड टेक ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम एवरी डे दैट मीन्स योर मील टाइमिंग्स शुड बी फिक्स्ड एवरी डे Avoid eating between meals and between meals it's not a good habit to you know munch on namkeens biscuits they are not healthy so in between meals try to avoid eating wash your hands and mouth before and after meals this is very important hygienic practice children if you want to maintain hygiene khana khane se pehle and after eating your meal you must wash your hands and rinse your mouth right keep the food covered on the table aur table par jab hamara khana pada hota hai keep it covered kya hoga usme agar koi mosquito aake baith gaya to wo kya karega usko infect kar dega right usme germs chhod dega to hame kya karna chahiye we should keep our food covered always
टेक सेपरेट प्लेट एंड ग्लास, राइट। जब आप सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, टेक अ सेपरेट प्लेट, अपने लिए अलग से प्लेट और ग्लास लें, ओके। सो दीज आर सम ऑफ वेरी गुड ईटिंग हैबिट्स, गुड फूड हैबिट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज चिल्ड्रन। अमंग द कल्प्रिट्स लीडिंग टू पुअर पोस्चर इन यूथ आर हैवी बैकपैक्स, poor habits such as sitting in school with the chin jutted forward and resting on the hand or slouching in a chair. So let's understand this. क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि बच्चों में जो poor posture है, what is posture first of all? Posture होता है the manner in which we sit, stand, walk, right? तो हमें अपना जो posture है वो एकदम correct रखना चाहिए, हमारी back straight होनी चाहिए, हमारा head एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, चिन इनवर्ड्स होनी चाहिए, राइट, नॉट लाइक दिस, आवर चिन शुड बी इनवर्ड्स, सो दैट्स अ गुड पोस्चर। बट आजकल क्या हो रहा है, बच्चों के स्कूल में जो है बैग्स इतने हैवी हैं, उसकी वजह से बच्चों का पोस्चर बिगड़ रहा है, दे आर स्लाउचिंग, उनके कंधे झुके रहते हैं, एंड पुअर हैबिट्स सच एज सिटिंग विथ द चिन जटेड फॉरवर्ड। बच्चे क्या करते हैं, अपनी चिन को आगे रखकर, यू नो, यू रेस्ट योर हैंड्स ऑन द टेबल एंड सिट लाइक दैट, उससे भी आपका जो पोस्चर है वो खराब होता है। सो ऑलवेज सिट और स्टैंड और वॉक विद योर बैक स्ट्रेट, हेड अप एंड चिन इनवर्ड्स, राइट। और बच्चे क्या करते हैं, दे स्लाउच इन अ चेयर, बहुत ही ऐसे शोल्डर्स को ड्रूप करके और बहुत ही लेजीली बैठे होते हैं। सो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वी शुड सिट in a very smart way, maintaining a good posture. Scoliosis and other back problems can also contribute to posture problems. So what is scoliosis, children? Scoliosis एक ऐसी problem है जिसके अंदर जो spine होती है हमारी, right? हमारे back में एक bone जा रही है जिसे हम spine कहते हैं, वो उसके अंदर थोड़ी सी sideways होती है, right? थोड़ी टेढ़ी होती है. So it goes like this. राइट, सो वो प्रॉब्लम होती है स्कोलियोसिस, उसकी वजह से भी बच्चों का पोस्चर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। एंड अ फ्यू एक्सरसाइज चिल्ड्रन कैन हेल्प योर चाइल्ड डेवलप एंड मेंटेन हेल्दी पोस्चर। अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं, यू नो, रेगुलर एक्सरसाइज से आप अपना पोस्चर करेक्ट कर सकते हैं अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट एक्सरसाइज एंड लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट वट अ प्रॉपर पोस्चर इज। So actions by which most of the muscles of our body work are called exercises. So exercises क्या होती है, वो actions, हम वो चीजें करते हैं जिससे हमारी body के सारे muscles का workout हो जाता है, right? हमारे सारे body के muscles काम करते हैं उस time, उस चीज को हम कहते हैं, उस action को हम exercise बोलते हैं, right? So actions by which most of the muscles of our body work, वो काम पर काम करते हैं, काम करने लग जाते हैं, दैट एक्शन इज नोन एज एक्सरसाइज। नाउ दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू चिल्ड्रन। व्हाट यू हैव टू डू, मेक अ टेबल इन योर नोटबुक। इस तरीके का एक टेबल बनाना है आपको अपनी नोटबुक में, राइट सम थिंग्स अबाउट योर फेवरेट गेम्स एंड वन हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल, राइट। सो आपको अपने फेवरेट गेम्स के यहाँ नेम्स लिखने हैं एंड You have to write, suppose for an example, यहाँ पे given है, कौन से game की बात की गई है, hopscotch. I know you all must love this game, right? It's a very interesting one. How many players can play in this game? Any number of players, right? So there is no restriction on the number of players. जितने मर्जी बच्चे इसमें एक साथ खेल सकते हैं. What are the things needed for the game? इस game के लिए आपको कौन-कौन सी चीजें चाहिए? ओपन स्पेस चाहिए, एक बड़ी सी खुली जगह चाहिए आपको, राइट। देन अ पीस ऑफ चॉक, आपको एक चॉक चाहिए एंड अ स्मॉल पीस ऑफ फ्लैट स्टोन, राइट, जिसको आप थ्रो करके आप जिस नंबर पर जाते हैं आप हॉप करते हैं, राइट। सो एक फ्लैट स्टोन चाहिए, एक चॉक चाहिए एंड यू नीड सम ओपन स्पेस, राइट, एंड एनी नंबर ऑफ प्लेयर्स कैन प्ले दिस गेम। देन व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गेम, प्लेयर्स टेक टर्न्स, प्लेयर्स बारी बारी जाकर उसको हॉपस्कॉच के गेम को खेलते हैं। सो दिस वे चिल्ड्रन आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन नेम्स ऑफ थ्री गेम्स, राइट, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। देन यू राइट द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द गेम, ओके, जैसे सपोज यू लाइक कैरम बोर्ड, सो आप कैरम खेलते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं उसमें, यू कैन, दे कैन बी टू और फोर प्लेयर्स, राइट,
things needed for the game. Uske liye aapko kya kya chahiye? You need a carom board, you need the pawns, right? Aapko striker chahiye. Then what are the rules of the game? Again, the players take turns to play that game, right? So this way you can jot down three of your favorite games, number of players in that game, things needed for that game, and also the rules of that game. So this activity you have to complete in your notebook, right? Draw this table and do this. So let's proceed. Daily exercises make our muscles strong, right? अगर हम चाहते हैं कि हम strong बने, हमारे muscles के अंदर power आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रोज exercise करनी चाहिए, okay? We should do simple exercises daily. We should move every muscle of our body. आप simple simple exercises कर सकते हैं, जिसमें आपकी full body के जो muscles हैं, उनकी movement हो, right? आप jump कर सकते हैं, run कर सकते हैं, you can skip. You can drill, right? आप drilling कर सकते हैं, games खेल सकते हैं, like football, जिसमें आपके अच्छे से exercise हो जाए, right? आप hockey खेल सकते हैं, then you can play cricket, all these games, volleyball, throw ball, so ऐसे games खेलें जिसके अंदर आपकी full body की, you know, exercise हो जाए, every muscle of your body should come to work. Now yoga also is a very good exercise for our health. आप योगा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. इट कीप्स यू रियली हेल्दी. ये बहुत अच्छा होता है. इट हेल्प्स यू यू नो करेक्ट योर पोस्चर. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. यू कीप हेल्दी एंड फिट व्हेन यू डू योगा. सो यू कैन ट्राई योगा आल्सो चिल्ड्रन, राइट? सो प्रॉमिस मी दैट फ्रॉम नाउ ऑन यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज डेली, राइट? नाउ चिल्ड्रन, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज प्रॉपर पोस्चर. प्रॉपर पोस्चर क्या है? Posture is the position in which you hold your body and limbs. Hamari jo body hai, hamare jo limbs hain. Limbs kya hote hain? Hamari arms and legs, right? So posture is the position in which you hold your body and limbs when standing, sitting or lying down. Kis tarike se aap khade hain, walk kar rahe hain, baithe hain. Some people sit like this, some people walk like this, they bend their, you know, shoulders inside, their shoulders are like this, relaxed. So, hame kya karna chahiye? Apne posture par bahut dhyan dena chahiye. In other words, the method of sitting, standing and walking is called posture, right? So, posture kya hai? Method of sitting, standing and वॉकिंग. किस तरीके से आप बैठते हैं, चलते हैं या खड़े होते हैं या फिर लाई डाउन करते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर पोस्चर. सो व्हाट डज हैविंग अ गुड पोस्चर मीन? गुड पोस्चर का मतलब क्या होता है? योर बोन्स एंड जॉइंट्स आर इन लाइन सो दैट मसल्स कैन बी यूज्ड प्रॉपरली. आपके जो बोन्स और मसल्स हैं, यू नो, दे शुड बी इन लाइन, जिससे कि वो एकदम ठीक होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए. So that muscles can be used properly. जिससे कि जो muscles हैं, उनका properly use किया जा सके. Your spine has its three normal curves. हमारी जो spine है, उसके three normal curves होते हैं. वो अगर आपके एकदम सही हैं, that means you have a good posture. Ligaments holding the spine together are not being stressed. Ligaments क्या होते हैं बच्चे? स्ट्रैप्स, लाइक आप सोच लीजिए, जैसे कोई स्ट्रैप्स हैं जिन्होंने बोन्स को कनेक्ट कर रखा है, राइट? टू बोन्स हैं, उनको कौन चीजें कनेक्ट करती हैं, कौन सी चीज जोड़ कर रखती हैं? लिगामेंट्स, राइट? सो गुड पोस्चर के अंदर क्या होता है? लिगामेंट्स दैट होल्ड द स्पाइन टुगेदर आर नॉट बीइंग स्ट्रेस्ड. उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं आता हमारे लिगामेंट्स के ऊपर. यू डोंट गेट टायर्ड एज क्विकली, और आप इतनी जल्दी थकते नहीं है, राइट? यू रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द डे. दैट शोज दैट यू हैव अ गुड पोस्चर. अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं होगा तो आप बहुत जल्दी थकान महसूस करेंगे. आपको आपकी बैक में पेन महसूस हो सकता है, नेक में, शोल्डर्स में, राइट? सो व्हेन यू मेंटेन अ गुड पोस्चर, यू रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द डे. यू डोंट गेट पेन इन योर बैक और अदर मसल्स. आपकी पेन आपके बैक में या दूसरे मसल्स में पेन भी नहीं होता है इफ यू मेंटेन अ गुड पोस्चर. And when you stand up smartly, you walk smartly, you also look good. Aap achhe bhi dikhte hain, right? Now, to have good posture, aapko kis kis cheez ki zarurat hai? Strong, flexible muscles, especially each side of the spine. Jo spine hamare back mein, right? Back mein jo center se run karti hai,
उसके दोनों तरफ के जो हमारे मसल्स हैं, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड दे शुड बी फ्लेक्सिबल, यानी स्टिफ नहीं होना चाहिए. यू मस्ट हैव सीन सम किड्स जिनको ऐसे बेंडिंग में भी प्रॉब्लम होती है. दैट मीन्स उनके जो मसल्स हैं ऑन द साइड्स ऑफ द स्पाइन वो बहुत स्टिफ हैं, राइट, बहुत ही यू नो रिजिड हो गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनके अंदर. ओके, सो अगर आपको गुड पोस्चर मेंटेन करना है, फॉर दैट यू विल नीड गुड फ्लेक्सिबल मसल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द स्पाइन, वेल बैलेंस्ड मसल्स, नॉट ओवर डेवलप्ड ऑन वन साइड. कभी कभी आप ट्राई करके देखिए क्या होता है, एक साइड तो हम पूरा बेंड हो पाते हैं बट द अदर साइड हम पूरा बेंड नहीं हो पाते. सो इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स आवर मसल्स, जो हमारी मसल्स हैं, दे आर ओवर डेवलप्ड ऑन एनी वन साइड. किसी की वन साइड में जो मसल्स हैं वो ज्यादा डेवलप्ड हैं, राइट, मतलब वो मोस्टली जो उसके एक्शन हैं वो दूसरी साइड से होते हैं. सो दैट मसल इज हेल्दी, फ्लेक्सिबल है, दूसरी साइड के मसल्स ओवर डेवलप हो गए हैं, राइट. सो विद एक्सरसाइज यू कैन बैलेंस दैट टू बी एबल टू मूव फ्रीली. आप आराम से मूव कर सकते हैं, यू डोंट फेस एनी डिफिकल्टी. सो दैट विल बी अ रिक्विजिट फॉर गुड पॉस्चर, टू बी अवेयर ऑफ योर पॉस्चर एंड वर्क टू इम्प्रूव इट. अगर आप गुड पॉस्चर चाहते हैं तो आपको यू नो यू शुड बी अवेयर कि आपका पोस्चर क्या ठीक है या नहीं. अगर नहीं है ठीक तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, राइट. मे बी यू आर बेंडिंग योर बैक टू मच, आप बहुत स्लाउच कर रहे हैं, आपकी चिन हो सकता है, आप ज्यादा भार रखकर रखते हो, राइट. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, एंड देन यू कैन यू नो वर्क टू इम्प्रूव इट. फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं. नाउ रेगुलर एक्सरसाइज, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग कर सकते हैं, एंड प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स विल कीप योर बैक स्ट्रॉन्ग. इन सब स्पोर्ट्स से आपकी जो बैक है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी और उसमें पेन नहीं होगा इतनी आसानी से. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू कीप योर बैक स्ट्रॉन्ग यू मस्ट एक्सरसाइज डेली. आप रनिंग कीजिए, जंपिंग कीजिए, राइट, यू कैन वॉक, यू कैन साइकिल, ऑलराइट. सो जो एक्सरसाइज है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. यू मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट 6 days अ वीक. नाउ फॉर स्टैंडिंग अप, अगर आपको खड़े होना है तो क्या सही तरीका है, टू हैव गुड पोस्चर व्हेन यू आर स्टैंडिंग यू नीड टू प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप एकदम सही तरीके से खड़े होना चाहिए, बैक स्ट्रेट, राइट. किस तरीके से खड़े होते हैं, आप मिरर के सामने खड़े हो और अपने पोस्चर को ऑब्जर्व करें, राइट, होल्डिंग योर हेड अप एंड चिन इन, लुक स्ट्रेट अहेड, राइट. क्या करना है आपको, योर हेड शुड बी अप, योर चिन इनसाइड एंड लुक एकदम सामने की तरफ, देखें मिरर में, पुट योर शोल्डर्स बैक. आपके शोल्डर्स इस तरीके से आगे की तरफ नहीं, दे शुड बी टुवर्ड्स द बैक, राइट. योर टक योर टमी इन, अपनी टमी को अंदर टक करें. कीप योर नीज स्ट्रेट, आपकी नीज को एकदम स्ट्रेट रखें. टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स योर शोल्डर्स. आपके शोल्डर्स ऐसे भी नहीं होने चाहिए, राइट. एक गहरी सांस लें और अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करें. आगे नहीं होने चाहिए, ऊपर नहीं होने चाहिए, एकदम बैकवर्ड्स रिलैक्स पोजिशन में आपके शोल्डर्स होने चाहिए, राइट. एंड कीप योर चेस्ट फॉरवर्ड, ऐसे अंदर की तरफ नहीं, चेस्ट फॉरवर्ड. दिस इज अ स्मार्ट वे टू स्टैंड विद अ गुड पोस्चर, राइट. सो आज आप क्या करेंगे, मिरर के सामने खड़े होंगे एंड यू विल प्रैक्टिस ऑल दीज पॉइंट्स. देन यू विल सी how, what a remarkable change you will see in which you stand. You will look even more smarter than before. Now, standing for a long time is tiring. ज़्यादा time तक खड़े होने से क्या होता है, हम बहुत थक जाते हैं. और so try to rest one foot at a time. जब हम बहुत time तक, हमें लंबे समय तक खड़ा रहना होता है, तो हम एक एक करके हमारे जो foot हैं उनको rest दे सकते हैं a bit higher up than the other, like on a step or a stool, right? हम अपने एक पैर को थोड़ी सी किसी ऊपर जगह पर, लाइक जैसे आप हो सकता है, सपोज एक आपके पास स्टेप है, स्टेयरकेस है, एक पैर को उसके ऊपर रखें तो आपका वो जो पैर है, जो आपने पैर ऊपर रखा है वो रिलैक्स हो सकेगा, राइट. और हमें इस तरीके से टेढ़ा खड़े होकर एक पैर पर अपना सारा का सारा वेट नहीं डालना चाहिए. दैट इज नॉट द गुड वे टू रिलैक्स योर लेग्स. आप अपना एक पैर थोड़ी सी हाइट पर रखेंगे तो दूसरा पैर, जो वो पैर है आपका, वो उस टाइम के लिए रिलैक्स हो जाएगा.
So slumping sideways into your hip is not good posture and can strain your back muscles. हम अगर एक ही पैर पर ऐसे कई बार sideways खड़े हो जाते हैं, putting all the weight or pressure on one leg, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो back muscles हैं उस पर strain आता है, उस पर pressure आता है और उसमें हमें pain हो सकती है. Try to move about rather than standing in one position for too long and try to move about. अगर आप एक जगह पर बहुत टाइम से खड़े हैं तो भी आपको पेन होगी. सो ट्राई टू मूव अराउंड थोड़े थोड़े टाइम के बाद. टेक अ ब्रेक एंड टेक अ राउंड, थोड़ा सा घूम कर आए, यू फील रिलैक्स्ड, राइट? नाउ चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th अप्रैल एवरी ईयर, राइट? 7th अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है. रिमेंबर दिस फैक्ट. नाउ वो था किस तरीके से हमें खड़ा होना चाहिए, अब किस तरीके से हमें बैठना चाहिए. व्हाट इज द करेक्ट वे टू सिट विद करेक्ट पोस्चर, लेट्स सी दैट. सो व्हेन यू सिट, ट्राई टू कीप योर बैक स्ट्रेट. बैठते हुए भी हमारी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए. पुट योर बैक अगेंस्ट द बैक रेस्ट ऑफ द चेयर, हमारी जो चेयर की बैक रेस्ट है उस पर आप अपनी बैक को यू नो रेस्ट कर सकते हैं. पुट योर बैक अगेंस्ट दैट. Your knees should make a right angle. हमारी जो knees है वो एकदम right angle बनाना चाहिए उन्हें. They should not be in this manner. जब हम किसी chair पर बैठते हैं तो हमारी knees एकदम ऐसे होनी चाहिए, right? Suppose this is the chair that we are sitting on. So हमारी knees ऐसे होनी चाहिए, ना कि ऐसे या ऐसे ऐसे. अपनी लेग्स को हमें बेंड नहीं करना है. वी शुड कीप आवर लेग्स एट अ 90 डिग्री एंगल. फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, और जो हमारी फीट हैं वो फ्लोर पर एकदम फ्लैट आनी चाहिए, राइट? एकदम फ्लैट लाइक दिस, राइट? देन डोंट क्रॉस योर लेग्स, आपकी लेग्स को क्रॉस करके नहीं बैठना चाहिए. इफ यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर देन योर चेयर शुड बी मूव्ड टू फिट यू. अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो अपनी चेयर को अपने हिसाब से आगे या पीछे कर ले, जिससे कि आपका पोस्चर एकदम करेक्ट हो, आपको आगे झुककर काम करने की जरूरत ना हो, राइट? उसको मूव कर ले अपने हिसाब से, सो आपका जो काम करने का तरीका है आपको बेंड करने की जरूरत नहीं होगी, राइट? इट शुड बी मूव टू फिट यू. डोंट लीन फॉरवर्ड, सिट बैक एंड स्ट्रेच योर आर्म्स आउट टू द कीबोर्ड, राइट? हमारी जो आर्म्स है वो भी रेस्टेड होनी चाहिए. आपको आगे झुककर काम नहीं करना है, अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है और आपकी जो ये आर्म्स हैं आप उसे चेयर की आर्म्स पर या फिर टेबल पर रेस्ट करके यू कैन वर्क ऑन द कीबोर्ड. ब्रिंग योर चेयर अप क्लोज टू द कीबोर्ड सो दैट यू कैन रेस्ट योर आर्म्स ऑन द चेयर और डेस्क, राइट? चेयर पर या डेस्क पर आप रेस्ट कर कीबोर्ड पर वर्क करें. कीबोर्ड को आगे या पीछे अपने हिसाब से आप मूव कर लें. कीप योर शोल्डर्स रिलैक्स्ड, और काम करते टाइम भी आप अपने शोल्डर्स का ध्यान दीजिए कि ऊपर की तरफ ना आप उसको लिफ्ट कर लें, राइट? उसको नीचे की तरफ रिलैक्स रखें. सिटिंग लाइक दिस इज द लीस्ट स्ट्रेसफुल वे फॉर योर बैक, और इस तरीके से बैठने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. वरना लोगों को लॉन्ग आवर्स तक अगर बैठना होता है दे एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स विद देयर बैक. उनको बैक में बहुत पेन होने लगती है, उनके शोल्डर्स में, नेक में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? तो हमें सही तरीके से अपना पोस्चर मेंटेन करके वर्क करना चाहिए व्हेन वी आर सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स. If you are playing computer or video games, be aware that your shoulders may be hunching up as you get more excited. अब जब आप video games खेलते हैं, right? On the computer, तो क्या होता है? कभी-कभी कोई game में आपका इतना excitement level बढ़ जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कब आप अपने shoulders को ऐसे ऊपर कर लेते हैं, you know, एकदम tight कर लेते हैं. So आपको क्या करना है? ऐसा नहीं करना है. अपने shoulders को relax रखें, right? Don't slouch them. So, और ना ही उनको ऊपर की तरफ उठाना है. यू नीड टू रेस्ट एंड मूव अराउंड एवरी 30 मिनट्स टू रिलैक्स योर बॉडी. आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए 30 मिनट से ज्यादा एक प्लेस पर ना बैठें. गेट अप एंड मूव अराउंड अ बिट. ट्राई बेंडिंग बैक अ फ्यू टाइम्स टू स्ट्रेच योर मसल्स एंड हेल्प देम रिलैक्स. अगर आप बहुत टाइम तक बैठ रहे हैं तो आप खड़े हो और अपने आप को यू नो अपनी बॉडी को बेंड करें आगे पीछे. ट्राई फ्लेक्सिंग योर मसल्स, अपनी मसल्स को स्ट्रेच करें टू हेल्प देम रिलैक्स, जिससे कि आपकी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो सके, राइट?
अब हमने खड़े होने का देख लिया, बैठने का देख लिया. व्हाट इज द करेक्ट वे टू लाई डाउन? लेटने का सही तरीका क्या है? इवन व्हेन यू आर लाइंग डाउन और स्लीपिंग, यू कैन लुक आफ्टर योर पोस्चर. लेटते हुए भी हमें अपने पोस्चर का बहुत ध्यान रखना चाहिए. हमारे जो नेचुरल कर्व्स हैं बैक में, राइट, वो एकदम सही आने चाहिए. राइट, सपोज नेक के नीचे हमें पिल्लो रखना जरूरी है, क्योंकि जो हमारी जो बैकबोन है उसके ऊपर एक कर्व होता है. राइट, इट गोज लाइक दिस, तो वो कर्व आना चाहिए, पिल्लो रखना चाहिए हमें वहां पर. सो जो हमारी बॉडी के जो प्रॉपर कर्व्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. लाइंग ऑन योर साइड विद योर नीज बेंट, यू कैन लाई दिस वे. राइट, आप अपनी साइड पर लेट सकते हैं और अपनी नीज को बेंट रख सकते हैं. इससे क्या होगा, सी ऑल द मसल्स, ऑल द कर्व्स, नेचुरल कर्व्स इन योर बैक आर इन अ प्रॉपर पोजिशन. Lying with your head on one pillow so that your spine is in a natural position. एक pillow रखकर लेटे, right? जिससे कि आपकी जो spine है, आपकी spine में natural curve जो है, उसमें कोई problem नहीं आए. Okay? So these are ways to lie down. Now how should you lift heavy things? अगर आपको कोई भारी सामान उठाना है, you know, नीचे से कुछ उठाना है, so what is the correct way to lift that thing? Never lift by yourself anything that is an awkward shape. Or is more than a quarter of your body weight. मतलब हमारा body weight का हमें 1/4 weight ही हमें उठाना चाहिए. और अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी shape एकदम proper नहीं है, अजीब सी shape है, उसे भी हमें अकेले नहीं उठाना चाहिए. Right? So suppose आपका body weight 20 kgs है, तो आपको उसका 1/4 यानी 5 kgs से ज़्यादा भारी सामान उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. Always bend your knees and straighten your legs as you lift. See this girl, she is trying to lift this basket. What she has done? उन्होंने अपनी knees को bend किया है, right? Bend your knees and straighten your legs as you lift. जब आप lift करते हैं तो अपनी legs को धीरे धीरे एकदम straight कर लीजिए, right? आपका जो सारा weight और pressure है वो legs पर आना चाहिए, back पर नहीं आना चाहिए जब कोई आप heavy सामान lift करते हैं. This way your leg muscles are doing the work, not your back muscles. अगर आप इस तरीके से सामान lift करेंगे, अपनी legs को bend करेंगे, and then you will straighten them up as you lift the load, तो आपका जो सारा work है legs के ऊपर आएगा, आपकी जो back muscles हैं उन पर stress नहीं आएगा, right? So this is the proper way to lift heavy things. Now if you have to move something heavy, अगर आपको कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना है, but that thing is very heavy, तो आपको क्या करना चाहिए? You should use a trolley. आपको trolley use करनी चाहिए for this purpose. Now to lift something, put your feet apart, अपने पैरों को थोड़ा दूर दूर कीजिए, hold the object close to your body and keep your arms bent, right? अपनी arms को bent रखें और उस object को keep it close to your body, अपनी body के पास रखें. This way you are using your arm muscles and not pulling on your shoulder and back muscles. इस तरीके से क्या होगा, जब आप कोई heavy सामान अपने arms में ऐसे close to your body पकड़ेंगे, तो work आपकी arms पर आएगा, stress सारा आपकी arms पर आएगा, आपके shoulder या आपके back muscles पर stress नहीं आएगा. Never lift anything higher than your waist. अपनी कमर से ऊपर सामान को नहीं उठाना चाहिए, right? अपनी वेस्ट से नीचे रखें जो भी आपने सामान उठाया है, कीप इट बिलो योर वेस्ट लाइक दिस, राइट. इस बास्केट को आपको अपनी वेस्ट से ऊपर नहीं पिक करना है, ओके? वेस्ट से नीचे नीचे रखें जो भी वेट है. बेंड योर लेग्स एंड हिप्स, टाइटन योर टमी मसल्स एंड यूज योर लेग मसल्स टू हेल्प यू लोअर द ऑब्जेक्ट डाउन अगेन. अब जब वो हैवी ऑब्जेक्ट आपने उठाया है तो उसे कहीं ना कहीं रखेंगे भी. अब उस ऑब्जेक्ट को वापस रखने का क्या तरीका है? बेंड योर लेग्स एंड हिप्स, अपने लेग्स और हिप्स को बेंड कीजिए, टाइटन योर टमी मसल्स, अपने टमी मसल्स को टाइट कीजिए, एंड यूज योर लेग मसल्स, आपके जो लेग्स हैं उनको बेंड करते हुए, उनके मसल्स को यूज करते हुए वो सामान नीचे वापस रखते, राइट. डोंट बेंड योर बैक लाइक दैट, यूज योर लेग्स, ओके? सो आपको जो सारा काम करने की कोशिश करनी है, ट्राई टू put all this work, try to make your arms and legs do all the work, not your shoulders, not your back, right? So that's the correct way of lifting weights and also putting them back, right? So have you understood, children, what is
a correct posture, kis tarike se we should stand, we should sit, how we should lie down, how we should be lifting things up and how we should be keeping them back, right? So also a very important thing is exercise. Exercise karne se hum healthy, fit rehte hain, and also we should eat clean and healthy food of all the types included, right? So are you all ready to begin with the exercise? All right, let's do this. A part says, fill in the blanks with words given in the box. Hame yahan par box mein kuch words given hai. Wo hints use karke we have to fill in the blanks. Number one, always stand with your dash straight. Jab hum khade hote hain to hame kya karna chahiye? We should keep our back straight. Always stand with your back straight. Right? Dash makes our muscles strong. Hamare muscles kis cheez se strong hote hain? Yes, exercise karne se. So exercise makes our muscles strong. Number three, do not dash while sitting. So baithte hue, jab hum baithte hain tab bhi hame bend nahi karna chahiye. We should sit and we should keep our back straight. So do not bend while sitting. Number four, exercise makes most of the muscles work. Jo exercise hai usse hamare zyadatar jo muscles hain wo kaam karte hain. So keeps our muscles, makes most of our muscles work. Dash posture keeps us active and smart. So kaisa posture hame active aur smart rakhta hai? Proper posture. Hame ekdam सही पोस्चर से खड़ा होना चाहिए, बैठना चाहिए, चलना चाहिए और लेटना चाहिए. क्लियर एवरीवन? गुड. नाउ लेट्स कम टू बी पार्ट, दैट इज टेक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग एक्शंस. राइट, कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए और कौन सी चीजें करना ठीक नहीं है. फर्स्ट, वी शुड प्ले डेली. यस, प्लेइंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. यू शुड प्ले आउटडोर गेम्स डेली. करेक्ट. Ticket. Then we should always keep our neck bent. Hame apni neck ko bend rakhna chahiye? No, we should keep our neck straight. This is incorrect. Drill and skipping are active exercises. Yes, they are very active exercises. Correct. We should stand with chest out. Yes, very important point. We should stand like that. All right. Now children, answer the following questions. Name two games. कोई भी games आप यहाँ पर जो आप खेलते हैं वो लिख सकते हैं. Suppose you play hockey, badminton, football. So whichever game you like to play, you can write here. Right? Now number two, what is posture? Posture क्या होता है? Yes, it is the method in which we stand, walk, or sit is called posture. Number three, is it good to eat lots of sweets, children? No, it is not good to eat lots of sweets. Isse kya hoga? You will have टूथ प्रॉब्लम, आपका टूथ डिके हो जाएगा. राइट, और ऑल्सो इतना शुगर हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी नहीं है. यू कैन ऑल्सो बिकम ओबीज, आप बहुत ज्यादा मोटे हो सकते हैं. सो इज इट गुड टू ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स? नो, इट इज नॉट. राइट, नाउ चिल्ड्रन, अ फन टाइम एक्सरसाइज. टेक द प्रॉपर पॉस्चर एंड क्रॉस द रॉन्ग पॉस्चर. इनमें से जो पॉस्चर एकदम सही है उसे हम टिक करेंगे और जो गलत है उसको रॉन्ग करेंगे. सो हियर यू कैन सी दिस बॉय इज स्टैंडिंग इन अ वेरी गुड पोस्चर. उसकी बैक स्ट्रेट है, हिज हेड इज अप, चिन इज इनवर्ड्स, चेस्ट आउट. सो यस, दिस इज अ गुड वे टू स्टैंड. इसकी नीज भी स्ट्रेट है. गुड वे, प्रॉपर पोस्चर. नाउ यू चेक दिस वुमन आउट. इस ये वुमन कैसे खड़ी है? जस्ट चेक आउट हर शोल्डर्स. उनके शोल्डर्स स्लाउच कर रहे हैं. शी इज स्टैंडिंग इन अ वेरी लेजी मैनर. चेस्ट इज ऑल्सो इनवर्ड्स. सो
She's not standing in a good posture. Knees are also not straight. This is not a correct posture. Here you see this man is working on the computer. Apne laptop pe work kar raha hai. Just see how nicely he is sitting in a very good posture. Back ekdam straight hai. Right? His hands are rested. Keyboard par. Right? Bahut aaram se ekdam sahi posture mein. Aage bend bhi nahi ho rahe hai. Inki neck bhi rested hai. A very good posture to work on the computer. Right? Good posture. Clear everyone? So this is how you should be sitting, standing or walking around. So that was all for this chapter, children. I hope you have understood it well. Aaj ke baad aap bhi apne posture par bahut acche se dhyan de. Mirror ke samne khade ho aur jo points maine aapko bataye the, un sab ko check kare and try to practice that, right? Practice karne se aap apna posture theek kar sakte hain. All right? And also promise to eat a very healthy and balanced diet, children. All right? So children, I'll see you in my next video with another chapter of your book. Till then, children, you all stay blessed and keep smiling. Bye-bye. Have a great time.